Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. Thanks, okay, but I'm perfect. अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वो पार्ट टाइम अपना इतने दिनों से हमने सोचा कि यार मुशायरा हमने बिठाया नहीं, तो आज हम बिठा देते हैं. आइए आइए दोस्तों बैठिए. मैं एक ही डिमांड करता, इसको बाहर निकालो, ये बहुत गंदा है, इसको बाहर निकालो. तो मैं बोलेगा जल्दी. हाँ बाहर आइए. आज का जो हमेशा की तरह मजनूओं के लिए, ठरकियों के लिए हम चूज करके लाते हैं आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं. अर्ज किया है ना निकालो मेरा जनाजा उसकी गली से हो यारो, ना निकालो मेरा जनाजा उसकी गली से हो यारो. उसकी माँ देखेगी तो बोलेगी कमीने मरते मरते भी एक राउंड मार के गया. इट वॉज हाई लेवल प्रोफेशनल ठरकी शायरी. पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप इस फेस्टिव सीजन क्या प्लान कर रहे हैं परचेस करने की, तो 60% से ज्यादा लोगों ने स्मार्टफोन के बारे में बताया. लो भाई हो गया. वैसे बहुत सारे और भी चीज़ें होगी जिस पर हम भी वीडियोस बनाएंगे, उसके लिए बने रहना. और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया. अगर 5G फोन की तलाश में है, 20,000 के नीचे बजट है, जाइए उस वीडियो को देखिए, बड़ा मजा आएगा. ऐसे वीडियोस आजकल हमारे बड़े फेमस हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है. लाइक करिए, हफ्ते का आखिरी दिन है, कल क्वेश्चन आंसर का वेट करना, कल आपको बड़ा मजा आएगा. और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं. हमने पकड़ लिया, आई गिर गया. कभी बीवी गिरेगा तो उसको हाथ देने के लिए कभी झुकेगा नहीं, लेकिन फोन गिरेगा तो पूरा जमीन पे लेट जाएगा और फोन उठाएगा. पहली खबर की शुरुआत करते हैं चाइना से. एक बड़ी खबर आ रही है चाइना से कि चाइना वालों ने मतलब चाइना की जो सबसे बड़ी बैंक है सेंट्रल बैंक, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमारे कंट्री में अगर क्रिप्टो करेंसी से कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, हम उसको लीगल नहीं बल्कि इलीगल मानेंगे. और अगर ज़्यादा कुछ हो जाता है, मतलब बड़ा कोई कांड करते हुए दिखता है, तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है. यानी कि इनडायरेक्टली चाइना ये बोल रहा है कि हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुकी है. हाँ, और ये बोलने के बाद बिटकॉइन की वैल्यू $2,000 नीचे भी गिर गई. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वर्ल्ड में सबसे भारी तादाद में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता था वो चाइना के लोग थे. सोचो वहां पर जो लोग हैं उनके पास जो क्रिप्टो करेंसीज थी उसका तो सत्यानाश हो चुका है. लेकिन एक बड़ी खबर है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुकी है चाइना में, और इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है. iPhone 13 Pro और Pro Max iPhone सीरीज में यही दो विचार है जिनमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, मतलब जो बहुत बड़ी बात है. लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को इश्यूज हो रहे हैं. यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स अभी भी ऐसे हैं जो 60 हर्ट्ज पर ही चल रहे हैं, 120 हर्ट्ज पर नहीं चलते. और लोग जब यूज कर रहे हैं तो उनको फील आ रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, हमने 120 हर्ट्ज देकर पैसा दिया और एप्पल ये क्या सीन कर रहा है. मतलब एप्पल अब ये बोलता है कि भाई डेवलपर्स जो है उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब उनको सपोर्ट करना पड़ेगा 120 हर्ट्ज जब जाके वो काम करेगा. तो ये एक बहुत ही सैड सीन है कि भाई हमने पैसा दिया 120 हर्ट्ज के लिए एटलीस्ट, और वहां पर देखेंगे तो 60 हर्ट्ज पर चल रहा है, पीछे कुछ और हो रहा है, सामने कुछ और हो रहा है. Still, we love Apple. जो मैंने सोचा था देवा वही हो रहा है, सच बोल रहा है. मतलब Realme 1st अक्टूबर को इंडिया में इस सेल के दौरान अपने वॉशिंग मशीन को लॉन्च कर रहा है. मैं क्या करेगा, स्पेशली चाइना से Xiaomi की चड्डी बनियान मंगाएगा और वो Realme के वॉशिंग मशीन में धोएगा. और उसके एक दो दिन पहला 30 सितंबर को वो अपना वैक्यूम क्लीनर और एयर प्यूरीफायर Realme वो भी लॉन्च कर रहा है. इसमें से वैक्यूम क्लीनर का शायद मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूं, टेक्नोरा शॉर्ट्स पर कारपेट साफ करता हुआ दिखूंगा. हाँ मैं घर का काम करता है, डर से नहीं करता है, लेकिन करता है. क्या मतलब आप लोग का. साथ ही साथ दोस्तों, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है. ये टेक्नोलॉजी रहने देना. Realme का जो G1 करके जो फोन है, जो पहले भी लिस्ट हुआ था इंडिया के अंदर, अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ये चाइना में बड़ी ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा और साथ ही साथ हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है. अब ये G1 क्या कर रहा है Realme, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. गेमिंग फोन है, क्या है, बजट है, मिड रेंज है, कुछ नहीं पता है. लेकिन ये जा रहा है बड़ी ही जल्दी चाइना में, उसके बाद इंडिया में मिलेगा. यही है Realme की दास्तान, यही है. वैसे 2 अक्टूबर को Xiaomi कुछ बड़ा रिवील करने वाला है इंडिया में, और ये होगा Flipkart के ऊपर. हालांकि फोटोज बाहर आ गए हैं, 2 अक्टूबर बिग बैंग रिवील लिखा है और नीचे Mi का लोगो है. और देखकर ऐसा लग रहा है कि जो Mi 11T
टी प्रो वगैरह जो लॉन्च हुए थे ना शाओमी के, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब 29 सितंबर को उनका 11 लाइट 5G एनी आ रहा है और ये 2 तारीख को शायद ये हो सकता है। अब ये बिग बैंग रिवील बोल रहे मी का लोगो है तो क्या होगा, मुझे तो वही लग रहा है कि शायद वही हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, सबको बड़ा बड़ा कुछ करना है, शाओमी का बड़ा करता है, 2 तारीख को ही पता चलेगा। सैमसंग की तरफ से आज एक बड़ी खबर आ रही है और ये एक बुरी खबर भी है, जहां पर सैमसंग के कुछ ए सीरीज और एम सीरीज वाले जो फोन है इंडिया के अंदर, वो चलते चलते ऑटो रिस्टार्ट हो रहे, हैंग हो रहे, फ्रीज हो रहे वगैरह, और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। यहां पर बताया जा रहा है कि M30S, M31, M31S, A50, A50S और A51, और क्या पता दूसरे भी फोन्स हो सकते हैं। इनका रीजन नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सैमसंग ने भी अभी ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है। जहां पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने बताया कि हम जब सर्विस सेंटर गए तो मदरबोर्ड ही बदलने के लिए बोल रहा था, जिस पर 7 से 8 हजार रुपए खर्चे दिखा रहे थे, विच इज कंप्लीटली नॉट गुड। और सैमसंग उसको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर्स है और यूजर्स हमारे लिए सबसे पहले होते हैं, बाद में सब कुछ होता है। तो मैं भी बात करूंगा सैमसंग से, ये भेजूंगा और बोलूंगा कि अगर आपका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर आप कोई फिक्स ढूंढ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे बताइए, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको अपडेट करूं और उसके बारे में आपको ट्वीट करूंगा या टेक न्यूज में आपको जरूर बताऊंगा। IQ Z5, इसके फर्स्ट हैंड्स ऑन इमेजेस आ चुके हैं, और मतलब लॉन्च तो हो गया था चाइना में, इंडिया में भी बस थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके रियल हैंड्स ऑन इमेजेस आ चुके हैं बाहर, और वीवो पर किसी ने डाला था फोटो। पंच होल डिस्प्ले है, चिन भी आपको काफी कम मिल रही है, तो डिस्प्ले आपको अच्छा मिल रहा है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बढ़िया है, फ्रेम्स देखकर ही प्लास्टिक लग रहे हैं, साथ में आपको बैक साइड जो है वो मैट जैसा थोड़ा अच्छा लग रहा है, और 3.5mm जैक वगैरह भी दिख रहा है। तो हाँ, ये कुछ IQ Z5 ऐसा होगा, बाकी तो रियल हैंड्स ऑन हम करेंगे टेक्नो स्टाइल में अनबॉक्सिंग करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, उसके लिए वेट करना, आपको बड़ा मजा आएगा। वैसे इंडिया के अंदर आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उनमें जो ज्यादातर गैमलिंग वगैरह के जो एप्स होते हैं ना, ड्रीम 11, MPL वगैरह बहुत सारे और भी है, और ऑलरेडी इंडिया में 3 स्टेट्स है, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने बैन के लिए बोल दिया है इन तरीके के ऐप्स को। उन्होंने बताया कि जो यंगस्टर्स है वो एडिक्टिव हो रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, और अब कर्नाटका ने भी ये बोल दिया कि हमारे स्टेट में हमें इस तरीके के ऐप्स नहीं चाहिए। और इनसे मैं भी सहमत हूं, मैंने भी एक वीडियो बनाया था उससे रिगार्डिंग, कि सोचो दोस्तों, अगर आप इन ऐप्स पर पैसे लगा रहे और आपको पता नहीं कि रिटर्न में क्या मिलना है, तो उसको हम एडिक्टिवनेस बोलते हैं, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग दोस्त से उधार ले लेते, घर में पैसे चोरी करते और गलत रास्ते भी चले जाते हैं। और यंगस्टर्स, आप लोग हमारे देश की शान है, आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, अगर आप इनमें फंस जाएंगे हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, सोचो। आप लोग को नहीं पता है, मैं बता दूं, ये जो ड्रीम 11, MPL और ऐसे बहुत सारे जो ऐप्स है, इनका साल का 1000 करोड़ का टर्नओवर है। पैसे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग दे रहे हैं, आपको तो ज्यादा नहीं मिल रहा है, इनको इतना मिल रहा है। ये ड्रीम 11, MPL मुझे इतने ईमेल करते हैं, अगर आज मैं इनके वीडियोस बना दिया होता तो मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं आपसे क्या बताऊं। मुझे, मैं बोल देता हूं, चलो 7-7 लाख रुपए देने को तैयार थे एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना किया, बोला नहीं, गैम्बलिंग वैम्बलिंग हम ये सब काम नहीं करते, हमको जो है नॉर्मल काम है वही दो। तो प्लीज़ दोस्तों, बचिएगा, अपना फ्यूचर बचाइएगा ऐसी चीज़ों से, कभी भी अपना मतलब नॉलेज लगाइए, पैसे मत लगाइए, नॉलेज लगाइए, इन रिटर्न आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ये मेरी बात लिख के ले लेना। ये खबर सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, जब मैंने सुना मुझे बहुत मजा आया। एक नया खिलाड़ी अब जो है वो मार्केट में उतर रहा है, मतलब मोबाइल प्रोसेसर मार्केट में उतर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ AMD की। AMD दोस्तों बताया जा रहा है कि MediaTek के साथ पार्टनरशिप कर रहा है मोबाइल प्रोसेसर के लिए, या AMD का नया CPU आ जाए MediaTek के साथ मिलकर, या क्या पता MediaTek का चिपसेट हो और AMD वाला GPU हो, माली जो यूज करता है ना MediaTek वो हटा दे और AMD का GPU लेके आ जाए। हालांकि Exynos के Samsung के चिपसेट से जो फ्यूचर में आएंगे जिनमें AMD GPU होगा, लेकिन इस बार जो खेल है वो बहुत बड़ा होने वाला है, एकदम बड़े लेवल पर AMD यहाँ पर कुछ कर रहा है, और अगर ये उतर गया मार्केट में तो Qualcomm को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप MediaTek के साथ हो रही है। तो बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है, बस परफॉर्मेंस जो एकदम टॉप लेवल पर जाने वाली है स्मार्टफोन्स की। लेट्स सी कि AMD के यहाँ पर क्या प्लान से है। क्या यार, क्या एक छोटे से लोगो के लिए आप लोगों ने स्किप किया, एक छोटा सा लोगो यार, मतलब मेरे को भी अब शर्म नहीं आ रही। हाँ, तो क्राफ्टन जो है दोस्तों, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, हर जगह पूरा यही नाम रहता था, और पबजी का क्या नाम था, प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड्स वगैरह था ना, तो पबजी बोलते थे हम। अभी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का उन्होंने लोगो ऑफिशियली रिवील्ड कर दिया है, और बड़ी खूबसूरत लोगो यहाँ पर सामने आई है, BGMI और नीचे क्राफ्टन भी लिखा है। अच्छा, इंडिया का फ्लैग का थोड़ा फ्लेवर भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। अब देखा जाए तो ये BGMI होता है, लेकिन हम उसको बोलते हैं पूरे टेक्नोलॉजी स्टाइल में बगमी। हाँ, तो बगमी लोगो रिवील्ड हो गया है।
क्या आपको पता है दोस्तों, हमने चांद को भी नहीं छोड़ा। मतलब धरती पर तो हम गंदगी करते हैं, कचरा वगैरह फेंक देते हैं रास्ते में, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चांद पर भी जब एस्ट्रोनॉट्स गए थे और आए, ऐसे तो बहुत सारे लोग गए थे, तो अभी वहां पर 200 टन का गार्बेज है, 200 टन का, जिसमें से ना इतने सारे बैग्स पड़े हैं जिनमें उल्टियां हैं, पेशाब है और न जाने क्या कुछ, पूछो मत। हाँ, तो ऐसी गंदगी हमने वहां पर भी की है। आज की रेक न्यूज़ देखा था, मुझे भी करता, आपको आज की रेक न्यूज़ पसंद आए कि पसंद आए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।